तो देखिए, दिल्ली में नियुक्तियों से लेकर तबादले, इसे लेकर केंद्र ने अध्यादेश जारी कर एक नई व्यवस्था बनाई है। आखिर दिल्ली में सिविल सर्विस अथॉरिटी क्या क्या रोल होगा और क्यों राष्ट्रीय राजधानी में केंद्र की भूमिका अहम हो जाती है, इसे आप इस रिपोर्ट को देखकर समझ सकते हैं। चाहे वो अधिकारियों की पोस्टिंग हो, उनका तबादला हो या फिर खास विभागों का काम, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किस व्यवस्था के तहत काम होना चाहिए, इसके लिए बाकी दुनिया में राष्ट्रीय राजधानी को लेकर क्या सिस्टम है उसे भी समझना बहुत जरूरी है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी वहां की फेडरल या केंद्र सरकार के अधीन आती है। वॉशिंगटन डीसी में मेयर है, लेकिन वहां कोई अलग से चुनी हुई सरकार नहीं होती। ये शहर कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट के तहत आता है और यहाँ प्रशासन की जिम्मेदारी अमेरिका की केंद्र सरकार के पास है। यही व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में है। कनाडा की राजधानी ओटावा में भी यही सिस्टम चलता है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में भी प्रशासनिक अधिकार केंद्र के पास है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी परिवहन, सुरक्षा समेत कई विभाग केंद्र सरकार ही देखती है। अब सवाल है कि इन देशों ने ऐसी व्यवस्था क्यों अपनाई और दिल्ली को लेकर ऐसी ही जरूरत क्यों महसूस की गई है। संविधान के मुताबिक आर्टिकल 239 AA के तहत दिल्ली के प्रशासनिक मामलों में केंद्र सरकार की भूमिका मानी गई है। हालांकि दिल्ली की अपनी विधानसभा और मंत्रिमंडल भी है और उनके पास भी कई अधिकार हैं। आगे से दिल्ली सरकार में पदस्थापित ऑफिसर्स का ट्रांसफर पोस्टिंग विजिलेंस एक बॉडी के द्वारा किया जाएगा जिसके चेयरमैन अरविंद केजरीवाल होंगे, लेकिन उसके चीफ सेक्रेटरी भी मेंबर होंगे और होम सेक्रेटरी भी मेंबर होंगे और इनके निर्णय पर ही लेफ्टिनेंट गवर्नर फैसला करेंगे। अब अध्यादेश के मुताबिक सिविल सर्विस अथॉरिटी में दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी होंगे और साथ में गृह विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे। यही समिति नियुक्तियां और तबादले देखेगी। मुख्यमंत्री ही समिति के अध्यक्ष होंगे। इसमें उपराज्यपाल को सिफारिशें भेजने का फैसला बहुमत से होगा। मत भिन्नता होने की स्थिति में उपराज्यपाल का फैसला अंतिम होगा। दिल्ली में पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, लैंड और सर्विसेज दिल्ली विधानसभा के तहत नहीं आएंगी। UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग दिल्ली में पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत आने वाले ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विस को देखेगा, जबकि ग्रुप सी की भर्ती का काम दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड देखेगा। अध्यादेश को लेकर अब मकसद ये है कि दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्था दी जाए। ये नई व्यवस्था इसलिए लागू की गई है ताकि केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल से काम किया जा सके और दिल्ली और दिल्ली के लोगों को बेहतर प्रशासन दिया जा सके।